गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आइए आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज हमारी कौन सी क्लास है? इंग्लिश की। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो पिछली बार क्लास में क्या पढ़ा था हमने? वोवल्स के बारे में पढ़ा था, है ना। कौन कौन से वोवल्स होते हैं हमारे? ए टी आई ओ यू, है ना। तो एक दोबारा बोले एक बार, तो मेरे साथ बोलना, ए E, I, O, U. बहुत बढ़िया। ऐसे ही एक बार दोबारा लास्ट टाइम पढ़ते हैं, A, E, I, O, U. और इनको क्या बोल के हम? वोवल्स। क्या बोल के हम? वोवल्स। और सबसे पहले क्या है? A. तो आज हम वोवल्स A के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या बना हुआ है नीचे पिक्चर में? बिल्ली बनी हुई है। अब बिल्ली को क्या बोलते हैं? सी ए टी, कैट। अभी क्या है? चूहा, है ना। अब चूहे को कौन खाता है? बिल्ली खाती है ना, कैट खाता है ना। तो चूहे को क्या बोलते हैं? आर ए टी, कैट। अब उसके नीचे क्या है? एम ए टी, मैट। अब मैट क्या होता है? चटाई होती है जो हम नीचे बिछाते हैं ना, जिसको बिछाने के उसके ऊपर बैठ जाते हैं। अब होते हैं उसको M A T, मैट। अभी क्या है? B A T, बैट। देखो सभी को पता हुआ है ना, खेलते हो ना आप घर पे। तो क्या है ये? B A T, बैट। अब यहाँ चलते हैं। अभी क्या बना हुआ है? एक वैन बनी हुई है ना। तो क्या बोलते हैं उसको? V A N, वैन। अभी क्या है? C A N, कैन। अब कैन क्या है? इतनी छोटी सी होटल होती है, देखी होगी अभी दुकान पे, है ना, जिसके अंदर कोल्ड ड्रिंक होती है ना। तो क्या ये? सी एन, कैन। अभी क्या है? एफ एन, फैन। आपके घर में भी होगा ये, है ना, पंखा है, उसको भी हम क्या बोलते हैं? एफ एन, फैन। अभी क्या है? पी एन, पैन। अब ये क्या होता है? मम्मा इसमें खाना बनाती है ना मम्मा, है ना। तो क्या ये? पी एन, पैन। अब क्या नीचे? टी ए पी, टैप। नल को हम क्या बोलते हैं? टी ए पी, टैप। अब क्या है? एम ए पी, मैप। अब मैप क्या होता है? रास्ता बना होता है इसके ऊपर, और जिसको देखते हुए हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है। क्या होता है ये? एम ए पी, मैप। तो अब ये क्या है? एल ए पी, टैप। टैप मतलब छोटा बच्चा अपनी मम्मी की गोद पर सो रहा है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? टैप। अभी क्या? एन ए पी, नैप। नैप मतलब सोना। अभी क्या है? टी ए जी, टैग। अभी टैग आपने कहाँ पर देखा होगा? अब मम्मा पापा के साथ कपड़े लेने जाते हो ना, लगा होता है टाइप का, है ना, जिसके दुकान का नाम होता है ना। कभी भी अगर नहीं देखा तो अगली बार सामान लेने जाओगे तो देखना ये लगा होता है उसके साथ। तो क्या होता है ये? टी ए जी, टैग। अभी क्या है? आर ए जी, रैग। अब रैग क्या होता है? एक कपड़ा होता है जो हम सफाई करने के लिए यूज करते हैं। अभी क्या है? डब्ल्यू ए जी, बैग। अब बैग क्या होता है? जैसे सामने एक डॉग बना हुआ है, इसकी टेल है ना, ये पूछ है ना, पूछो क्या बोलते हैं? टेल। अब क्या है? टेल को ये ऐसे पे स्विंग कर रहा है, हिला रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैग। डब्ल्यू ए जी, बैग। अभी क्या है? बी ए जी, बैग। अभी तो सभी को पता होगा, सबके पास है भी ना बैग घर पे, है ना। तो बी ए जी, बैग। तो आगे चलते हैं। अभी क्या है? एस ए जी, सैड। सैड मतलब का सोना, ठीक है। डी ए डी, डी ए डी, डैड। डैड हम किसको बोलते हैं? पापा को, है ना। अभी क्या? एम ए डी, डैड। डैड मतलब पागल। अभी क्या? पी ए डी, पैड। अब पैड क्या होता है? इस टाइप का होता है जिसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं, उसे हम लिखते हैं पेन से। अब इस साइड क्या है? आर ए एम, रैम, ठीक है। ये जो एनिमल है उसको हम क्या होते हैं? रैम। अभी क्या है? वाई एम, कैम। अब ये क्या है? एस ए एम, हैम। अब जे ए एम,
जैम ये आपने खाया भी होगा, वो टेस्टी होता है ना जैम, है ना, ब्रेड पे लगा के खाते हो ना आप, या ऐसे भी खा सकते हो। तो क्या ये जे है जैम, तो दोबारा रीड करते हैं एक बार ऊपर से। कैट बैग वैन कैन पैन पैन ठीक है, आया समझ में? अभी नीचे क्या दे रखा है, ये पिक्चर दे रखी है। आपको क्या करना है, पहले पेंसिल लेकर इस पिक्चर के बाद को ये पूरा ऐसे करके पेंसिल चलाना है। ये जैसे मैं चला रही हूँ सामने, ऐसे करके पूरी पिक्चर में तो पेंसिल करनी है पहले, तो पूरी ऐसे करके पेंसिल हो जाएगी पूरी। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें कलर करना है। ठीक है, अभी क्या है, एक लड़का है, लड़के के हाथ में क्या है, एक जैम की बोतल है। और लड़का क्या कर रहा है, उसके हाथ में स्पून है, स्पून क्या होता है, चम्मच। अब चम्मच से जैम निकाला और उसको खा रहा है, और कुछ जैम नीचे गिर भी गया है ना। और जैम खाने के उसको कैसे लग रहा है, बहुत हैप्पी हैप्पी हो रहा है, खुश हो रहा है ना। तब नीचे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको पेंसिल चलानी है। पहले क्या, एल एक्स एस एक्स एम, क्या बन गया ये जैम। अब लेकिन लेग ये क्या होता है, लड़के को एलेगी टैग बोला जाता है। ठीक है, ठीक मतलब खाना, क्या खा रहा है वो, के एम जैम। तो ये जो लड़का बना हुआ है क्या खा रहा है, ये जैम का खा रहा है ना। तो आपको क्या करना है, आपको इसके बाद पेंसिल चलानी है। इसके पेंसिल चलाने के बाद आपको इसको पूरे को कलर करना है। जैसे यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे कौन सा कलर करना है आपको, यहाँ पे ब्राउन कलर करना है। यहाँ पे आपको इसको, यहाँ पे ब्राउन कलर करना है आपको, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आपको ब्राउन कलर करना है। और यहाँ पे इसके फेस का स्किन कलर करना है। यहाँ पे येलो बना हुआ है ना, इसके ऊपर की जो टी शर्ट बनी हुई है इसके आपको येलो कलर करना है। और उसके नीचे यहाँ पे आपको ब्लू कलर करना है, उस बोतल में आपको रेड कलर करना है। ठीक है, अब आगे चल के अभी के लिखा हुआ है अनजम्बल राइट एंड मैच। अब क्या है ये जो ये लिखे हुए है ना, ये आगे पीछे लिखे हुए है, तो हमें इसको एकदम से ठीक करके लिखना है। अब उसको लिखने के बाद हमें इसको उसी पिक्चर के साथ मैच करना है। जैसे पहला क्या है, अभी आगे पीछे लिखा हुआ है, तो हमें क्या बन गया, एम, इसको पेंसिल चलाना, एम ए टी, क्या बन गया मैक। अब मैक क्या होता है, ये रहा हमारा, मैंने इसको उसके साथ मैच कर दिया। अभी नीचे क्या है, एन ए वी एम ना, तो इसको पहले ढंग से लिखना है, क्या बनेगा ये टी एन, क्या बन गया वैन। ऐसे पीछे में वैन का एक जैम है हमारा, ये हो चुका है। ये क्या है हमारा टैग, ये है टैग, और ये क्या है वैन, और ये क्या है लेग, है ना, हमने पहले पढ़ा था ना। तो वैन ये रहा हमारा, अब वैन ये रहा, हमें इसके साथ मैच करना है। तो हो गया मैच।
अब आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है, ये बनेगा पहले टी ए टी टी ए पी टैब। अब टैब किसको कहते हैं, नल को, है ना। अब नीचे क्या है, इसका बनेगा टी ए टी, क्या बन गया, टैग। अब टैग कहाँ पर है हमारा, जैम नहीं है, मैच हो चुका है, ये था हमारा टैग। अब मैंने टैग को इसके साथ मैच कर दिया। अभी क्या है, नीचे पहले आएगा एल ए टी, क्या बन गया, लैग। अब हम इसके किसको बोलते हैं, एक लड़के को बोलते हैं। अभी क्या है, ए ए एम, क्या बन गया, जे ए एम, जैम। अब जैम हमने कहा के था ये रहा सबसे ऊपर, तो मैं इसको इसके साथ मैच करूंगी। ये हमारा पूरा मैच देखो, ये भी हो गया, सारा हो गया, है ना। आगे अब ऐसे ही आपको ये बुक में काम करना है, बुक अच्छी अच्छी राइटिंग में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, ये छोटी सी एक स्टोरी दे रखी है, ठीक है, कहानी कहानी दे रखी है छोटी सी। इसके ये द फैट मैन, मतलब एक ऐसा आदमी जो फैट है, फैट मतलब मोटा है ना। तो इसमें हम एक ऐसे आदमी की बात करेंगे जो मोटा है, फैट है, ठीक है। तो पहले मैं रीड करके उसको, फिर मैं उसको समझाऊंगी। द एफेटिव फैट एम एन मैन इज फोर बट टू टू प्ले विद अ बीटी बैट, Fear a baby cat, fill a jar jar from the tap, tap, catch a rat, R-A-T, rat, or a cat, C-A-T, cat, no, like to eat jam, jam, and has an AP net, a mat, M-A-T, mat. तो अब क्या है, ये पिक्चर सामने दिखाई दे रही है, क्या है, एक मैन है ना, एक आदमी है जो तो कैसा है, फैट है। उसके आगे क्या है, ये जैम की बोतल रखी हुई है, एक कैप रखा हुआ है, एक जग रखा हुआ है, और क्या है, टेबल है, और क्या है, कैट है और रैट। असल में कैट रैट के पीछे भाग रही है ना। यहाँ पे एक पिक्चर भी लगी हुई है ना। तो क्या बताया गया इसमें, द फैट मैन इज बोर, मतलब ये मोटा आदमी है, ये बोर हो रहा है। तो उसने बोला, बट टू डू, अब मैं क्या करूँ, प्ले विद द बैट, अब मैं क्या बैट के साथ खेलूँ, इसके हाथ में बैट है ना, अब मैं बैट के साथ खेलूँ। Wear a cap, अब मैं इस कैप पहनूं, फिल अ जार फ्रॉम अ कैप, क्या मैं जार मतलब जग रखा हुआ है, क्या कैच अ रैट, अब मैं इसको चूहा है ये रैट है जो, इसको मैं पकड़ूं, और अ कैप या फिर बिल्ली को पकड़ूं, आएगा समझ में। तो क्या बोला है, तो ये फैट मैन है, ये क्या हो रहा है, बोर हो रहा है। तो उसने सोचा कि मैं क्या करूँ, अब क्या मैं बैग के साथ खेलने जाऊं, क्या मैं कैप को पहनूं, कैप कहाँ पे पहन के, सर पे पहन के, अब मैं कैप को सर पे पहनूं, या फिर मैं जग को पानी से भर के लेकर आऊं, या मैं चूहे को पकड़ूं, या फिर कैप को पकड़ूं। तो लास्ट में यहाँ पे क्या बोला, नो, नो मतलब नहीं। तो उसने बोला कि नहीं, मैं इनमें से कुछ भी काम
नहीं करूंगा। लाइक टू ईट जैम एंड हैव स्नैक्स ना मैं। अब क्या बोला, अब मैं क्या करूंगा, जैम की बोतल है ना, अब मैं जैम खाऊंगा ऐसे करके और मैट पर सो जाऊंगा। ठीक है, कैसी लगी, अच्छी है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हेलो फ्रेंड्स हेल्प मी टू मैच द वर्ड्स दैट साउंड सिमिलर। अब क्या है, इसमें हमें इसको मैच करना है जिससे साउंड एक जैसी है, जिसको बोलने में थोड़ा एक जैसा लग रहा है। अब एक क्या है, पंखा बना और पंखों क्या बोलते हैं, फैन। फैन तो ये रहा। अब यहाँ से हमें ढूंढना है कि सेम साउंड किसकी है। अब फैन लैग ये अलग अलग हो गया, फैन और टैप ये भी अलग अलग हो गया, फैन और पैन है ना, फैन पैन एक जैसा आ रहा है ना, तो मैंने इसको उसके साथ मैच कर दिया। अब एक क्या है, डी ए डी डैड, डैड मतलब पापा, पापा को बोलते हैं डैड ना? तो इसी जैसे कौन सा एक जैसा हमें वर्ड लग रहा है बोलने में। अब पेन तो हो गया, बचा क्या, एल ए की लैग और पी ए पी टैब, टैड टैड एक जैसे साउंड आ रही है, मैंने इसको उसके साथ मैच कर दिया। अब क्या है, पी ए पी कैप। अब कैप हम कहाँ पर पहनते हैं, पहनते सर पर, यहाँ पहनते ना सर पे। तो अब क्या बचा हमारा, टी ए पी कैप सर बच गया हमारा है ना। तब मैंने इसको इसके साथ मैच कर दिया, ये हमारा पूरा हो गया। अब नीचे यहाँ पे ये जो साउंड दे रखी है, ये मैं रीड करती हूँ, ऐसे आपको इसको बोल बोल कर पढ़ना है। पहले मैं सारा पढ़ के फिर मैं दोबारा पढ़ूंगी, फिर मेरे साथ साथ इसको बोलना। टी ए बी कैब, बी ए बी बैग, एल ए बी लैब, एन ए पी मैप, ए बी कैप, टी ए बी कैप। ठीक है, अब मेरे साथ बोलो, टी ए बी कैप, टी ए बी कैप, एल ए बी लैप, एन ए बी कैप, टी ए बी कैप, टी ए बी कैप। आगे बढ़ते हैं, टी ए डी डैड, एल ए डी लैड, एम ए डी डैड, एस ए डी सैड, टी ए डी डैड, एच ए डी हेड। ठीक है, दोबारा बोलते हैं, टी ए डी डैड, एल ए डी लैड, एम ए डी डैड, एस ए डी सैड, टी ए डी डैड, एच ए डी हेड। आगे क्या है, एम लगा हुआ है, जे एम जैम, आर ए एम डैम, एच ए एम हैम, वाई एम जैम, जे एम डैम। ठीक है, दोबारा बोले मेरे साथ बोलना, जे ए एम जैम, आर ए एम डैम, एच ए एम हैम, वाई ए एम जैम, जी एम डैम। ठीक है, अब यहाँ पे पीछे का लगा हुआ है ए एम, एम ए एन वैन, पी एन वैन, आर ए एन वैन, एफ ए एन फैन, सी ए एन कैन, पी ए एन वैन। ठीक है, दोबारा बोलते हैं, एम ए एन वैन, पी ए एन वैन, आर ए एन वैन, एफ ए एन फैन, पी एन कैन, एन पेन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ए पी लगा हुआ है, ए पी कैप, ए पी कैप, एस ए पी कैप, एम ए पी मैप, एम ए पी मैप, एल ए पी लैप। ठीक है, दोबारा बोले, टी ए पी कैप, टी ए पी कैप, कैप, एन ए पी टैप, एम ए पी टैप, एल ए पी टैप। अब यहाँ पे पीछे क्या लगा हुआ है, ए आर, तो सी ए आर कार, ए ए आर जार, टी ए आर टार, डब्ल्यू ए आर वार, एफ ए आर फार, बी ए आर बार। दोबारा बोलते हैं मेरे साथ बोलना, सी ए आर कार, ए आर जार, T A R car, W A R war, F A R war,
एफ ए आर फार बी ए आर फार ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है लास्ट में ए टी लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं सी ए टी कैट आर ए टी बैट एम ए टी मै एफ ए टी फैट एच ए टी हैट आर ए टी सैट। अब मेरे साथ बोलना ठीक है सी ए टी कैट आर ए टी बैट एम ए टी मै एफ ए टी फैट एच ए टी हैट आर ए टी सैट। तो आया समझ में जितना अभी तक मैंने काम करवाया है सारा आपको बुक में कंप्लीट करना है और जैसे मैंने आपको ये बोलना सिखाया है सेम आपको सुन सुन कर वैसे बोलने की कोशिश करनी है और ये मैथ जो मैंने करवाया ये आपको बुक में करना है जितना मैंने सारा काम करवाया आपको बुक में करना है। अब मैं आपको होमवर्क बताती हूँ आपको कॉपी में क्या काम करना है। आपको होमवर्क क्या करना है सबसे पहले आपको डेट लिखनी है 21/9/20 ठीक है। अब क्या है हेडिंग बोवर्स ए साउंड अभी हमने पढ़ा था ना ए साउंड के बारे में तो वही है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एम ए टी मैट। अब मैंने यहाँ पे इसकी पिक्चर बना रखी है आपको कॉपी में भी ऐसी पिक्चर बनानी है पेन की हेल्प लेकर और उसमें कलर करना है आपको ठीक है। अभी क्या है बी ए टी बैट अब मैंने यहाँ पे बैट बना रखा है इसकी इसको पिक्चर इसको बनाकर इसमें कलर करना है ऐसे सारे में मैंने पिक्चर बना रखी है और इसमें आपको कलर करना है सी ए जी टैग एन पेन सी ए जी टैग ए एम पेन सी ए पी टैग ठीक है। पहले क्या है मैट बैग टैग पेन बैग जैम टैग ठीक है। उसको पूरा काम करने के बाद फोटो क्लिक करके ग्रुप पर सेंड करनी है और सब बच्चे काम नहीं कर रहे हैं तो सब बच्चे वीडियो देखने के बाद काम करके उसी टाइम फोटो क्लिक करके ग्रुप पर सेंड करनी है ठीक है। समझ में आया सभी बच्चे को ये काम पूरा करना है कॉपी का भी और बुक का भी ठीक है। घर से बाहर निकलो तो मास्क लगाकर निकलो और लोगों से दूर रहना है जितना हो सके घर पर ही रहो ठीक है। आज के लिए इतना ही अब हमारी नेक्स्ट क्लास कब है मंडे को तो अब अगले मंडे को हम इंग्लिश पढ़ेंगे ठीक है। तो आज के लिए इतना ही थैंक यू।